अभी का टॉपिक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एंड कोएग्जिस्टेंस है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस पर काफी सारी बातें करी हैं। एक बात तो हमें गॉसेस प्रिंसिपल से समझ में आता है कि टू स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट। और यही यही कारण ही है कि ये टर्म क्या दिया गया, कंपटीशन। कंपटीशन मतलब क्या है, किसी किसी मुद्दे पर भाई टकराहट है वहीं पर। कभी भी दो स्पीसीज अगर एक ही रिसोर्स पर कंपीट करते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। और दूसरा ये भी है ना कि इनफाइनाइट रिसोर्स भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि दोनों को लिए इनफाइनाइट है कि खाए जाओ कोई कॉम्पिटिशन, कोई तो कोई ना कोई तो लिमिटिंग फैक्टर होता ही वहां पर। अब जब इस तरह का कहीं स्ट्रगल होगा तो जो डार्विन कहते हैं बेटर शैल सर्वाइव, जो सबसे बढ़िया है वो आगे बढ़ेगा। सबसे बढ़िया जिसमें भी हो, चाहे अडेप्टेशन में हो, चाहे उसकी एबिलिटी हो, चाहे इंट्रिंजिक कैपेसिटी हो उसको ग्रो करने का, ये सभी जो होते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकते हैं। तो होगा। अब इसमें कई एग्जाम्पल्स आते हैं। सबसे पहला तो है कि भाई अगर कोएग्जिस्ट करना है तो हमने 3 पॉइंट बताया था पिछले लेक्चर में कि भाई नीच का बंटवारा कर लीजिए, अपना अपना रियलाइज नीच में चले जाइए, रिसोर्स पार्टिशनिंग कर लीजिएगा। तो रिसोर्स पार्टिशनिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। गांधी जी ने कहा था कि हमारी आवश्यकता के लिए तमाम चीजें हैं इस धरती पर, लालच के लिए चीजें नहीं है। रिसोर्स पार्टिशनिंग सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन मेथड है फॉर को एग्जिस्टेंस, और माना जाता है कि इसमें ज्यादा टकराहट नहीं होता अगर सबने अपना अपना इलाका मांट लिया। एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, आप लोग पढ़े होंगे बुक में है, उसी एग्जाम्पल को हम बताते हैं। क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये पॉपुलेशन साइज है एन, और यहां जो है रिसोर्स है। अब एक प्लांट का रिसोर्स लिया जा रहा है, ठीक है, बोला कि प्लांट में 3 प्रकार के सीड हैं, स्मॉल सीड छोटे छोटे, लार्ज सीड बड़े बड़े, मीडियम साइज्ड, ना छोटा ना बड़ा। बोला दो स्पीसीज इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, देखते हैं। तो जो स्पीसीज वन है वो स्मॉल भी खा रहा है और मीडियम साइज भी खा रहा है, स्पीसीज टू भी दावा ठोक रहा है वो मीडियम भी खा रहा है और लार्ज भी खा रहा है, दोनों स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू। सो पहला क्लियर हो गया कि स्मॉल जो सीड है ना वो सिर्फ स्पीसीज वन खा रहा है। स्मॉल सीड सिर्फ और सिर्फ कौन खा रहा है, स्पीसीज वन। मीडियम जो सीड है, साइज्ड सीड, इस पर दोनों का दावा है, स्पीसीज वन का भी और स्पीसीज टू का भी दावा है। जबकि लार्ज साइज सीड जो है वो सिर्फ स्पीसीज टू ही खा रहा है, ठीक है। अब जब ये जो एरिया है, ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये एरिया बताता है कि कंपटीशन तो साहब यहीं पर है। ये जो ओवरलैप रीजन है, ट्रांजिशन रीजन है, इसे हम लोग बोलते हैं ओवरलैप, ओवरलैप। यही एरिया जो है कंपटीशन के लिए, अब जो नहीं खा रहे उसके लिए काहे को झंझट है, कोई झंझट नहीं। अब इस ओवरलैप में देखा जा रहा है कि अगर स्पीसीज वन यहां डोमिनेट कर रहा है, अगर ओवरलैप में स्पीसीज वन जो है डोमिनेट कर रहा है, स्पीसीज वन डोमिनेट कर रहा है, हम लोग मान चलते हैं लेट स्पीसीज वन डोमिनेट्स इन ओवरलैप या ट्रांजिशन, तो रिजल्ट क्या होगा, स्पीसीज वन स्पीसीज टू को धकेलना शुरू कर देगा।
और जब धकेलना शुरू कर देगा तो पिक्चर में ट्विस्ट आएगा, क्या जाएगा, हम सब समझते हैं कि क्या आने वाला है। आने वाला ये है कि स्मॉल सीड, मीडियम साइज सीड एंड लार्ज सीड, ये लिख रहे हैं। इसको हम यहां मानते हैं, इसको यहां मानते हैं, इसको यहां तक कह रहे मानते हैं। अब रिजल्ट हुआ कि स्पीसीज वन जो है ना वो पूरा फैल गया। देख लीजिए, अब स्पीसीज वन स्मॉल को भी खा रहा है, मीडियम को खा रहा है, और स्पीसीज टू जो है ना उसने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ लार्ज वाले एरिया में रखा। टकराहट हुआ, किस जगह पर टकराहट हुआ, मीडियम साइज सीड पर। कौन डोमिनेट किया, स्पीसीज वन डोमिनेट किया, तो स्पीसीज टू क्या किया, साइड हट गया, बोला ठीक है जाओ तुम ही खाओ छोटा और मीडियम, तुम छोटे छोटे कितना खाओगे हम बड़े वाला सीड जो है वो खा लेंगे। इस प्रकार से जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एंड रिसोर्स पार्टिशनिंग दोनों हुआ यहां पर, पहला रिसोर्स पार्टिशनिंग हो गया, पहला हो गया कि जो मीडियम में जहां टकरा रहा रहे थे अब मीडियम को छोड़ दिया गया, स्पीसीज वन ने मीडियम को कर लिया, ले लिया उसको अपने अंदर, पहला तो ये हो गया, पार्टीशन हो गया, रिसोर्स पार्टीशन। दूसरा क्या टर्म यहां पर आया, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन फॉर मीडियम सीड बाय स्पीसीज टू। स्पीसीज टू ने क्या किया कि इस मीडियम वाला जो सीड का रेंज था उस रेंज को उसने छोड़ दिया फॉर वन, कि जा तू ही खा मैं उसी में खुश हूं, आई एम हैप्पी इन लार्ज वन ऑलरेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। यहां पर दो टर्म आया, पहले तो बंटवारा हो गया और दूसरा कॉम्पिटिटिवली एक स्पीसीज को मीडियम साइज से धकेल कर हटा दिया गया। कभी अब जो टर्म आ रहा है वो है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। भाई कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट में एक बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा है, बताया जा रहा है कि जब दो स्पीसीज आपस में टकरा रहे हो लगातार, जब लगातार वो टकरा रहे हो तो जो हायर फिटनेस है वो अपने आप को बचाकर चलेगा, डोमिनेट करेगा, और जो लोअर फिटनेस वो अपने आप को अगर चेंज करेगा तो बचेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। मैं बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर छोटे छोटे सीड्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे सीड्स हैं। एक चिड़िया है जिसका चोंच जो है वो सीड पिकर है, ठीक है, सीड पिकर है, और एक चिड़िया जो है उसका चोंच एकदम सीड पिकर नहीं है, वो थोड़ा सा फ्रूट कटर टाइप का है, ठीक है। स्पीसीज वन, स्पीसीज टू, अभी दोनों के लिए फूड क्या है, यही छोटा छोटा दाना है, सीड्स है। और रिजल्ट क्या होगा कि ये कॉम्पिटिटिवली इसका फिटनेस क्या है, बहुत अच्छा है, हम कहेंगे इसका हायर फिटनेस है। क्यों हायर फिटनेस है, क्योंकि इसका चोंच जो है वो एकदम सीड चुनने के लिए बहुत वो तेजी से सीड चुन लेगा, और ये जो है लोअर फिटनेस है, और लोअर फिटनेस है तो भाई या तो ये खत्म हो जाए कॉम्पिटिशन में, स्पीसीज वन सर्वाइव नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा, या फिर ये अपने कैरेक्टर में बदलाव लाएगा। क्या लाएगा अपने कैरेक्टर में बदलाव लाएगा, कैसे, अगर इसको सर्वाइव करना तो सीड नहीं फ्रूट पर ध्यान देना होगा। अब रिजल्ट क्या हुआ, इसने अपने चोंच को थोड़ा सा अच्छे से फ्रूट ईटर बनाया, जैसे तोता का होता है ना ऐसे। अब रिजल्ट क्या हुआ, इसने फ्रूट को निशाना साधा, अब ये सीड को छोड़ दिया फ्रूट, फ्रूट को जैसे इसने खाना शुरू किया इसका भी क्या हो गया, हायर फिटनेस। अब उस पेड़ में जो फल लगेगा उस पर ये इसका दावा होगा, और जो बीज दाने निकलेंगे उस पर स्पीसीज टू का दावा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, स्पीसीज वन ने अपने कैरेक्टर में बदलाव किया, अपने
कैरेक्टर में बदलाव किया, और दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये नहीं करता तो वो एक्सटिंक्ट हो जाता, खत्म हो जाता। अब इसी चीज को ग्राफ में कैसे बताया गया कि जब शुरू के दौर में दोनों चिड़ियां, मतलब स्पीसीज वन और स्पीसीज टू जो था, यहां लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन, और यहां पर है ट्रेट। ट्रेट मतलब गुण, गुण में बदलाव लेना है, गुण गुण का वैल्यू। तो स्पीसीज वन का गुण ऐसे था, लेकिन स्पीसीज टू, टू का गुण बहुत बढ़िया था, इसलिए टू को हमने पहले किया। ठीक है, यहां उल्टा दिखेगा, स्पीसीज टू है, स्पीसीज वन है। स्पीसीज टू क्या है भाई? स्पीसीज टू जो है वो सीड ईटर है, स्पीसीज वन जो है वो उसका चोंच जो है तो भी सीड पकड़ने वाला ही, लेकिन उसके चोंच में कुछ तकनीकी खामी है। ठीक है, उसके चोंच में कुछ तकनीकी खामी है, जैसे मेरे इसमें भी अभी तकनीकी खामी आ गई है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने कुछ पोछा दिखाया। अभी तक दोनों के ट्रेट मतलब कैरेक्टर चोंच का काम लगभग मिलता जुलता था, स्पीसीज टू भी टूथपिक सीड पिक कर रहा था, स्पीसीज वन भी, लेकिन स्पीसीज टू का फिटनेस बहुत बढ़िया था, इसलिए अपने इसने चोंच में बदलाव नहीं किया। इसका फिटनेस कमजोर था, तो इसने इवोल्यूशनरी अपने चोंच में क्या किया, बदलाव किया, और ये किस तरह का चोंच बना लिया अपना, सी फ्रूट ईटर। तो इसने अपने आप में बदलाव नहीं किया, ये एकदम गदगद था, इसने अपने आप में बदलाव किया क्योंकि ये उतना बढ़िया सीड को पकड़ नहीं पा रहा था। इसको सीड, ये एक घंटे में 10 सीड पिकअप करता था, ये एक घंटे में 100 सीड पिकअप करता था। तो इसने अपने कैरेक्टर में बदलाव लाया, मतलब ट्रेड वैल्यू जो उसमें क्या किया, इसने बदलाव लाया, और रिजल्ट क्या कि दोनों को एग्जिस्ट किया। अगर ये ट्रेड वैल्यू नहीं करेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाना है दोनों में, बहुत टकराहट हो जाना है, ये खत्म हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, यही कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट, इसमें दो तरह के डिस्प्लेसमेंट को लोगों ने प्रोमिनेंटली देखा। एक इकोलॉजिकल कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, और एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ठीक है ना, इस तरह से दो भाग में लोगों ने उसको बांटा कि भाई रिप्रोडक्टिव ट्रेड में ही बदलाव आएगा या और इकोलॉजिकल ट्रेड में ही बदलाव आएगा। जो भी दोनों में बदलाव कर सकेगा वो अपने आप को सर्वाइव कराएगा कॉम्पिटिशन में, अगर ये बदलाव नहीं कर पाया तो फिर पिक्चर एकदम बदल जाएगा।